हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विधायक लोढ़ा व पुलिस अधीक्षक से बातचीत के बाद धरना खत्म। बाबा साहेब की प्रतिमा को तोड़ने के आरोपी गिरफ्तार। विधायक कोष से नई प्रतिमा लगाने की घोषणा सिरोही। विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से मानव जाति युग युग तक प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि गैर बराबरी के खिलाफ संघर्ष के महानायक हैं। उनके संबंध में जो लोग अवांछनीय हरकत करते हैं उनमें समझ की कमी है। ऐसे लोगों को भी हमें बाबा साहेब के योगदान से अवगत कराकर उनके दिमाग में जो गंदगी है वो दूर करनी होगी। लोढ़ा चावाल के अंबेडकर सर्कल पर चल रहे धरने में नागरिकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि घटना की जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री तेजाराम मेघवाल द्वारा जानकारी देते हुए उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाने के निर्देश दिए और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव से फोन पर बातचीत की एवं तत्काल उच्च पुलिस अधिकारियों को भेजकर घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकालने और अपराधियों को गिरफ्तार करने का आग्रह किया। पुलिस उपाधीक्षक तत्काल मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी गाड़ी के संबंध में तय तक जाकर जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने साइबर विशेषज्ञ के साथ लगातार प्रयास किए और गाड़ी की पहचान की गई। पुलिस टीम ने सूत्रों के जरिए जानकारी का विस्तार किया और घटना में शामिल लोगों की जानकारी जुटाई। प्राप्त की गई जानकारी की प्रामाणिकता जांचने के बाद घटना में शामिल लोगों की पहचान हो पाई और उन्हें मुकदमे में नामजद किया गया। लोढ़ा ने कहा कि पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने स्वयं मामले की मॉनिटरिंग करते हुए अलग अलग दल का गठन किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए। यह पता चलने पर पुलिस अपराधियों के संबंध में जानकारी हासिल कर चुकी है। अपराधी अन्य जिलों में जाकर छुप गए। पुलिस ने जालौर, जोधपुर, जैसलमेर आदि जिलों तक प्रयास जारी रखे जिसके कारण मामले का पर्दाफाश हो पाया। लोढ़ा ने बाबा साहेब की नई प्रतिमा के लिए विधायक कोष से भी राशि स्वीकृत करने की घोषणा की है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने कहा कि मामले में नामजद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बरलूट थाने लाया गया है। सोमवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। यह मामला अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है और पूछताछ के आधार पर जिन लोगों के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों की मांग पर शनिवार को हाईवे अवरुद्ध करने के संबंध में किसी तरह का कोई मामला दर्ज न हो उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले का यही पटाक्षेप करते हैं। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि एक साथ बरलूट थाना हलके में तीन तीन मामले होने से पुलिस को भी सभी जगह जुटना पड़ा। कैलाश नगर में पूर्व प्रधान अशराराम माली के प्रतिष्ठान पर हमले के 3 माह पुराने मामले का भी अभी खुलासा हुआ और आरोपियों को गिरफ्तार संबंधी कार्रवाई हुई। वहीं भूत गांव में बच्चे की हत्या का मामला हुआ जिसमें पुलिस को लगना पड़ा और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इसके साथ ही जावाल अंबेडकर प्रतिमा खंडित करने के प्रकरण पर पुलिस ने अपने पूरे प्रयास किए। यह सब के बाद अंबेडकर सेवा समिति के सचिव मूलाराम मेघवाल, मेघवाल बाई समाज परगना के सचिव शंकरलाल मेघवाल, अध्यक्ष भीमाराम परमार व जावाल गांव के अग्रणीय नागरिकों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कालूराम खोड़, पुलिस उपाधीक्षक मदन सिंह, तहसीलदार निर्जा कुमारी, जावाल गांव के मूलाराम, तेजाराम, गोविंद भाटी, प्रागाराम, ऋतिक, प्रकाश, छगनलाल, सोमाराम, लुम्बाराम, जीवाराम, ईश्वरलाल, रतिलाल, दानाराम, कन्हैयालाल, चीनाराम, हिम्मत सुतार, पुनीत अग्रवाल, किशोर पुरोहित, नारायण सुथार, जसवंत सिंह, किशन देवासी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जागरूक टीवी के पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।